हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब? बढ़िया। तो ऑक्सीलेशंस का चैप्टर काफ़ी हद तक मैंने फिनिश किया है, ठीक है। तो आज उसी के क्वेश्चंस, उन्हीं के बेस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन हैं जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आप देखने देने जा रहे हैं, है ना, पीटी वगैरह, आईटी, जेईई, तो उसके लिए क्या करेंगे, हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो फार्मूला को सबसे पहले क्लियर करना है आप लोगों को। दो क्वेश्चंस आप लोगों को न्यूमेरिकल बताऊंगा मैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश हिंदी मीडियम को दोनों, दोलन करते हुए एक कण का डिस्प्लेसमेंट, है ना। मान लो कोई कण दोलन कर रहा है तो उसके डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है ना, हमको क्वेश्चन याद है, आप लोगों को भी याद होना चाहिए। मान लो कोई कण है, दोलन कर रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, ठीक है। क्या लगा? द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एन ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल्स इज गिवन बाय एक्स इक्वल टू, एक्स लिख लो चलो, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। ये है ना, एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है ना। उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मैंने लिख दिया है। वेयर ए बी इज द कॉन्स्टेंट है, ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो हमको क्या करना है ना, शो करना, दर्शाइए कि गति सरल आवर्त गति है। पहला क्या करना है, शो दैट, है ना। और ये भी शो करना है कि इसका एम्पलीट्यूड निकालना है। क्या करना है ना, शो दैट द मोशन ऑफ पार्टिकल, शो दैट, नंबर वन क्या करना है, शो दैट द मोशन ऑफ पार्टिकल इज एस एच एम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड प्रूव दैट इसका एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू इतना होगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, हमको क्या गिवन है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ठीक, क्लियर। ए और बी कांस्टेंट है, हमको प्रूफ करना है एम्पलीट्यूड। यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू ए और कॉस ओमेगा टी रख देंगे, पुट कर देंगे, क्लियर। और दूसरा जो कांस्टेंट है, बी इक्वल टू ए और साइन ओमेगा टी कर देंगे। कोई डाउट यहाँ तक? क्या पुट करेंगे, स्मॉल इक्वल टू ए कॉस फाई, सॉरी ओमेगा टी दिया है ना, तो अपन फाई कर देते हैं इसको, क्योंकि फाई इज द फेज डिफरेंस, ठीक है। क्या पुट करेंगे, स्मॉल इक्वल टू ए कॉस फाई, स्मॉल बी इक्वल टू ए साइन फाई। चलिए पुट करिए ध्यान से, किसे इक्वेशन पुट करना है, इक्वेशन जो लिखा था मैंने, ये पुटिंग एक्स इक्वल टू ए की जगह इस्तेमाल है ए कॉस फाई और साइन ओमेगा टी प्लस बी की जगह ए साइन फाई और कॉस ओमेगा टी, क्लियर। अब आप लोग इसको निकाल लीजिए, कांस्टेंट तो एक्स क्या हो जाएगी, ए ऐसे लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी, है ना, कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। तो एक्स इज इक्वल, ये फार्मूला में जाएगा साइन ए, कौन सा फार्मूला हो जाएगा जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था आप लोगों को, साइन ए प्लस बी इस फॉर्म में आ जाएगा। और किस फॉर्म में दिया है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस फॉर्म में दिया है ना, तो हमको इस फॉर्म में आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इस फॉर्म में आ जाएगा। कोई डाउट? तो ये हो गया हमारा, ये जो निकाले हमने, क्या निकाला, यह एक सरल आवर्त गति का समीकरण है, अतः कण की गति एक सरल आवर्त गति जिसका आयाम ए है, क्लियर। कोई डाउट?
ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए है, कोई डाउट। अब अपन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्लियर, कोई डाउट है ना। अब इसको हमको क्या शो करना है कि इसका एम्पलीट्यूड इतना है, तो हम ये दोनों इक्वेशन का स्क्वायरिंग एडिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करोगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई जाएगा, दूसरे का बी स्क्वायर और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई जाएगा, दोनों गेट ऐड करिए, ए स्क्वायर कामन निकाल देंगे तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए के स्क्वायर, तो रूट ओवर, ये इसका एम्पलीट्यूड कम निकल गया, क्लियर, कोई डाउट, क्लियर। तो एक दूसरा क्वेश्चंस और हम लेते हैं, ठीक है, एक सेकंड क्वेश्चंस लेते हैं, क्लियर। तो जब एक कण का आयाम है ना, जब एक कण आयाम ए से क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, एक कण पार्टिकल्स है क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, कौन सा मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसका एम्पलीट्यूड कितना ए है। और जब आपने मूल स्थान से कितना पहुंचता है, 2a/3 पर पहुंच जाता है, तब सडनली इसकी जो मोशन वेलोसिटी है तीन गुनी कर दी जाती है, तो नया एम्पलीट्यूड हमको निकालना है। क्वेश्चन को समझिए, है ना, यही बता देते हैं। मान लो एक पार्टिकल्स है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ठीक है। तो उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला हम निकालते हैं, जब कोई पार्टिकल है जिसका एम्पलीट्यूड है और सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, तो उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने निकाला था, ठीक है। जब तक मैं बार बार बोल रहा हूँ, वेलोसिटी का सारे फॉर्मूला क्लियर नहीं होंगे तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। वी इक्वल टू ओमेगा और क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसके वेलोसिटी का फार्मूला हमने यही दिया था, ठीक है। और जब ये ओरिजिनल पॉइंट से कितना पहुंच जाता है, 2a/3, मैंने इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, एक्स इक्वल टू 2a/3 पुट करें। जब इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल टू 2a/3 हो जाता है, तो यहाँ पुट करते हैं वी इक्वल टू ओमेगा और एम्पलीट्यूड ए से कर रहा है, तो इसको ए कर देते हैं, है ना, ए स्क्वायर माइनस 2a/3 का होल स्क्वायर, तो वी इज इक्वल टू ओमेगा, है ना, तो जाता है ए स्क्वायर माइनस 4a^2/9। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 9a^-4a^2/9, मैंने वी इज इक्वल टू ओमेगा और कितना हो जाएगा, 5/9 और ए स्क्वायर। क्वेश्चन को समझना कि जब कोई पार्टिकल अपने ओरिजिनल प्लेस से कितना करता है, ए से सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट अपने ओरिजिनल प्लेस से कितना है, 2a/3 पर पहुंच जाता है, और सडनली इसकी गति को क्या करते हैं, तीन गुनी कर देते हैं, तो ये अपना वी आ गया, वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5√5/3 ओमेगा ए। अब सडनली क्या बोलता है, इसकी गति को, सडनली इसकी स्पीड को हम क्या करते हैं, न्यू स्पीड v′=3v कर देते हैं, ठीक है। तो सडनली इसकी गति को हम क्या करते हैं, तीन गुना कर देते हैं, v′=3v, ठीक है। तो v′=3v जब 3v कर दी हम, तो v की वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, है ना, और हमको निकालना है क्या, नया इसका एम्पलीट्यूड, क्या निकालना है, इसका न्यू एम्पलीट्यूड, कोई डाउट।
तो वी की वैल्यू पुट करते हैं, वी डैश इक्वल टू है ना 3 है ना 3। अभी की वैल्यू कितना है रूट 5/3 ओमेगा ए कट गया, तो ये वी डैश इक्वल टू हो जाएगा रूट 5 ओमेगा ए वी डैश। तो ये हो गया नया गति 3 गुना हो गया। और सपोज न्यू एम्पलीट्यूड, सपोज लेट न्यू एम्पलीट्यूड ए डैश, तो वी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब हम फिर से इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे, ठीक है, ए डैश स्क्वायर माइनस 2a/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। वी डैश की वैल्यू यहाँ पुट करो रूट और 5 ओमेगा ए, ओमेगा लिखना भूल गया, इक्वल टू ओमेगा ए डैश स्क्वायर माइनस 4a/9। ये ओमेगा ओमेगा कट गया। अब इसका रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बहुत सेट करेंगे तो हो जाएगा 5a² ये रूट हट जाएगा, ए डैश स्क्वायर माइनस 4 है ना a² / 9। इसको ट्रांसफर कर देते हैं, इसमें ऐड कर देंगे 5a² + 4a² / 9 इक्वल टू एड स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 5 = 45 49/9a² इक्वल टू ए डैश, तो ये हो जाएगा 7/3 ए इक्वल टू ए डैश, ठीक। तो ये नया एम्पलीट्यूड जो आया कितना है 7/3 ए एम्पलीट्यूड से। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए कि एक पार्टिकल जिसका एम्पलीट्यूड कितना ए है ना, ये क्या कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। और जब ये ओरिजिनल अपने क्या हो जाए ओरिजिनल प्लेस से 2a/3 पर पहुंचता है तो सडनली इसकी वेलोसिटी बिकम्स कितना हो जाए 3 गुनी हो जाती है। तो नया एम्पलीट्यूड निकालना है, ठीक, नया एम्पलीट्यूड निकाले हैं तो कितना यहाँ नया एम्पलीट्यूड 7/3 a, ठीक। तो ये दो क्वेश्चंस थे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि ऑक्सीलेशन के चैप्टर पर आधारित है। जब तक फार्मूला क्लियर नहीं होगा तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, तो इसलिए आप लोग से रोड है कि जितने भी फार्मूलेज हैं सभी फार्मूलों को ध्यान रखिए। मैंने पिछले एक वीडियो में पूरा जो सार है उसका डिटेल से जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसमें उसका एक वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो को देखिए। तो आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं वैसे ही नए, ये आपको जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम जो देने जा रहे हैं PET वगैरह ITJEE उसके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो इस चैनल को शुरू से देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझ नहीं आया तो पॉज कर करके देखिएगा तभी अच्छे समझ आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।